तो बिहार में चुनावी गहमागहमी बढ़ गई है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लगातार दूसरी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता आकर शामिल हो रहे हैं। देखिए चुनाव की तैयारी में आरएलएसपी भी जुट गई है और उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने पार्टी के नेताओं को ज्वाइन करा रहे हैं। पूरी आस्था और निष्ठा के साथ विश्वास करते हुए लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें श्री चंदन बिहारी जी हैं, श्री कुणाल सत्यार्थी जी हैं, श्री बिंदल कुमार मंडलपुर विधानसभा प्रत्याशी कुर्था के हैं, अशोक कुमार जी हैं, उज्जवल कुमार कन्हैया जी हैं, श्री चंदन कुमार जी हैं प्रजापति हैं, श्रीमती अंजू कुमारी, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी, श्री विपिन कुमार, श्री दिलीप कुमार, श्री पंचम कुमार, श्री चंदन कुमार, डॉक्टर राम विनय प्रसाद, श्री राजेश कुमार, प्रताप यादव, योगेंद्र कुमार, मीना देवी, संगीता देवी, श्री प्रदीप यादव, श्री कांत कुमार, जितेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, इसके अलावा और लोग हैं, ये महत्वपूर्ण साथी हैं। और मधु मंजरी जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा है, उनके सानिध्य में और खास करके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति श्रद्धा और आस्था और विश्वास करते हुए इन लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इन तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है और आश्वान्वित है कि इन लोगों के आने से पार्टी और मजबूत होगी। धन्यवाद। चंदन बिहारी जी के बारे में तो सर पार्टी की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है? तैयारी शुरू क्या, पहले से तैयारी चल रही है। लोगों का ज्वाइनिंग शुरू हो गया है, दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, कितना उत्साहित है? नहीं बिल्कुल, जनता ने इस बार मन बना लिया है एनडीए को रास्ता दिखाने का, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का आकर्षण एनडीए के खिलाफ संगठन के प्रति बढ़ेगा, बढ़ रहा है, क्योंकि उम्मीद अब यही है, लोग उम्मीद जहां है वहां लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुशवाहा महागठबंधन के सबसे खास दल के नेता हैं, क्यों सीटों को लेकर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई? ना बातचीत चल रही है, हाँ उसका अंत नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत चल रही है। लेकिन देर होने से कितनी परेशानी होगी? नहीं देर होने से सब लोगों को कठिनाई होगी, जनता में भी एक कन्फ्यूजन है, तो अब मुझको लगता है कि देर नहीं, ज़्यादा देर नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में भी देर हुई थी और नुकसान हुआ था, आपको नहीं लगता कि देर होगा तो नुकसान होगा? हाँ तो बता ही रहे हैं कि देर होने से स्वाभाविक रूप से नुकसान होगा, मेहनत बढ़ जाएगी, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भरपाई हो जाएगी, लेकिन अब विलम्ब ना हो तो अच्छा है। मांझी जी चले गए सर? अब मांझी जी चले गए, उनके जाने से थोड़ा नुकसान तो ज़रूर है, लेकिन उस नुकसान को भी हम लोग मेहनत करके उसकी भरपाई कर लेंगे। मांझी जी की मांग वाजिब थी कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग? नहीं देखिए अब मांझी जी चले गए, अब फिर उनकी मांग पर अब की भी मांग है? देखिए सवाल अब किसी एक मांग पर का सवाल नहीं है, सवाल है कि कैसे एनडीए को हटाया जाए और अच्छी सरकार महागठबंधन के नेतृत्व में लाई जाए, यह मामला है, कोई एक विषय को लेकर के उसमें उलझने की जरूरत नहीं। बातचीत चल रही है उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के बंटवारे को? हाँ सभी दलों के बीच बातचीत चल रही है। कब तक फाइनल होगा? अब जल्दी हो जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी काफी आशान्वित हैं कि बहुत जल्द ही सीटों के बंटवारे का जो मसला है सुलझा लिया जाएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा काफी उत्साहित हैं क्योंकि चुनाव के ठीक पहले जनाधार वाले नेता कार्यकर्ता उनके पार्टी से जुड़ रहे हैं और उनका कहना है कि उनको नजरअंदाज कोई नहीं कर पाएगा।